हाँ बेटा, कैसे हो? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको क्या, कि जो बेंजीन रिंग है उसके एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, उसके आर्थोपेरा एंड मेटा डायरेक्टेड ग्रुप्स। बेटा थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज दिया हूँ 12th के अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिशन लेवल पर उसमें और भी ज़्यादा हाई है बेटा। तो खैर, अभी आप 12th सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा आप आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इन हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोएरिन। वेलकम करना बेटा हेलोएरिन का, हेलोएरिन। ओके, जनरल फार्मूला क्या बेटा? दिस जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बेटा? C6H5X, एक्स फार फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके गाइस, ये बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके गाइस, तो ये बेटा हेलोएरिन। अब हेलोएरिन में आप फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन यूज़ करो तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन यूज़ करो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन यूज़ करो आयोडोबेंजीन। जनरली बेटा हम लोग क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो इन सभी हेलोएरिन्स पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आइडियल है। ओके गाइस, तो इंटरेस्ट ना बेटा। तो सबसे पहले ये बेटा हेलोएरिन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। यस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन नोट्स बनाइएगा बेटा प्लीज, इंजॉय गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, तो बड़े लॉजिक से काम करेंगे, लॉजिक से मेथड ऑफ प्रिपरेशन को दिमाग में रखेंगे। ओके गाइस, ठीक। अब देखिए बेटा, दिमाग में लाइए कि जिस प्रोसीजर से आपने हेलो एल्केन्स बना है, क्या वो सेम प्रोसीजर से हेलोएरिन बन सकता है? बस ऑर्गेनिक में यही ट्रिक करा। स्पेशल रिएक्शन बेटा हेलोएरिन की अलग होगी। स्पेशल रिएक्शन ना आप द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन वो डिफरेंट अलग से काउंट करेंगे, लेकिन हमको ये रिएक्शन देखना है कि जिस रिएक्शन के थ्रू आप क्या बना सकते हैं बेटा हेलो एल्केन, क्या वही सिमिलर रिएक्शन के थ्रू आप हेलो एरिन बना सकते हैं? तो याद रखिए बेटा, रिवीजन हो जाएगा आपका, बस आपको रेडिकल चेंज करना है। जहां अभी तक मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ये जो एलिफेटिक रेडिकल यूज कर रहे थे, अब बेटा आपको एरोमेटिक में फिनाइल रेडिकल यूज करना है। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, जो फर्स्ट रिएक्शन थी हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो बेटा ये जो मेथेन था, याद दिला रहा हूं अभी, लिखिएगा मत, हमको बेटा हेलो एल्केन बनाना है। तो बेटा मेथेन पर आपने क्लोरीन डाल दीजिए कंट्रोल्ड कंडीशन में, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बेटा मेथेन पे आप क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो बेटा CH3Cl मोनोक्लोरोमेथेन आपको, ये रिएक्शन हो चुकी है बेटा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बेटा आप एथेन का यूज करेंगे तो मोनोक्लोरोएथेन। बेटा इसमें आपको एक्सेस लेना है बेटा क्या, एल्केन। अगर आप एक्सेस हेलोजन लेते हैं तो आपको पता है कि चैन रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्शन कंप्लीट टिल ऑल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन डज नॉट डिस्प्लेस बाय हेलोजन। पता है ना, सब याद आ रहा है ना भैया? तो बेटा अगर आप मेथेन पर क्लोरीन डालकर क्लोरोमेथेन बना सकते हो, तो बेटा मेथेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मॉलिक्यूल है एल्केन। तो बेटा अब मेथेन के प्लेस पे बेंजीन यूज कर लीजिए आप, भाई एरोमेटिक ये एलिफेटिक है तो हेलो एल्केन एरोमेटिक ले लीजिए, बिकॉज जैसे एल्केन होता है बेटा वैसी बेंजीन होता है नेचर के मामले में, रिएक्टिविटी के मामले में। तो क्लोरीन डाल दीजिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी किसके लिए काउंट किया हो, मोनोक्लोरोमेथेन, या अगर आप यहाँ एथेन का यूज कर रहे हो तो मोनोक्लोरोएथेन मिलेगा, प्रोपेन का यूज कर रहे हो तो 2-chloro-propane मिलेगा। गाइस ये हो चुका है हमारा। तो बेटा जब मेथेन या एथेन के प्लेस पे अब आप बेंजीन ले लीजिए, लेकिन आप अल्ट्रावायलेट लाइट मत लीजिएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा बेटा, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म अलग है, डिफरेंट है। तो याद रखिएगा सिमिलरिटी क्या है, कि आप एल्केन पे हेलोजन डाल के मोनो हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो आप बेंजीन पे हेलोजन डालकर हेलोजन का यूज करके आप मोनो हेलो बेंजीन बना सकते हो, मोनो ब्रोमो बेंजीन बना सकते हो, मोनो आयोडो बेंजीन बना सकते हो, लेकिन बेटा एक कप इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ध्यान देना। अल्ट्रावायलेट लाइट का बेटा आप यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ होश में रहना, क्योंकि रिएक्शन का नेचर डिफरेंट हो जाता है उसमें। आपको मालूम है अल्ट्रावायलेट लाइट होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करवाता है,
सिग्मा बाउंड का भी और पाई बाउंड का भी, और सिग्मा पाई दोनों, तो पाई को पहले ब्रेक करेंगे आप। तो बेटा देखिए ये रिएक्शन से इसको कंपेयर कर रहा हूँ आपकी मेमोरी ट्रिक्स के लिए। तो बेटा अगर आप एल्केन पे हेलोजन डाल रहे हैं तो मोनो हेलो एल्केन, तो आप बेंजीन पे हेलोजन डाल दीजिए तो मोनो हेलो बेंजीन मिलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 RFeCl3, बेटा इलॉन में इसकी मैकेनिज्म हो चुकी है। AlCl3 FeCl3 ये क्या करते हैं बेटा, इस Cl2 को इलेक्ट्रोफाइल Cl+ एंड Cl- में चेंज करेंगे। Cl+ आपको मालूम है बेटा, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि बेंजीन रिंग पर जब अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या देगा बेटा, प्रोडक्ट देगा। तो देखिए क्लोरीन अटैक कर दिया, यहाँ हर कार्बन पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से H+ के फॉर्म में रिलीज होगा, ये अटैक कर दिया H+ के फॉर्म में यहाँ रिलीज होगा बेटा दिस, और इस पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा हर एक कार्बन से, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मजा कौन लेगा बेटा, Cl+, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया भाई। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो बेटा अगर आप मेथेन से पर एल्केन पर हेलोजन डाल के मोनोक्लोरोमेथेन बना सकते हो, तो बेंजीन पर हेलोजन का यूज करके मोनोक्लोरोबेंजीन या मोनोब्रोमोबेंजीन या मोनोआयोडोबेंजीन बना सकते हो बेटा, ये लुईस एसिड का यूज करके। लुईस एसिड का क्या वर्क है बेटा, Cl2 को या रिएजेंट को केटायन इलेक्ट्रोफाइल एंड एनायन न्यूक्लियोफाइल में चेंज करना, इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करके आपका क्लोरोबेंजीन बना देगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा, काउंट दिस रिएक्शन, इट इज द फर्स्ट रिएक्शन, इट इज द फर्स्ट रिएक्शन फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, HCl बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये फर्स्ट रिएक्शन है फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। बेटा ब्रोमोबेंजीन के लिए प्रैक्टिस कर लो, तो यहाँ Br2 चलो हो गया है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है बेटा, तो Br2 ले लीजिएगा, Br+ Br-। तो बेटा ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, एक प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक में जितनी प्रैक्टिस करो उतने आप कंफर्म होते जाते हो। ओके गाइस, ठीक है। लेकिन बेटा एल्केन पर याद रखना, एल्केन पर एल्केन को मोनो हेलो एल्केन में चेंज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। बेंजीन को मोनो हेलो बेंजीन में चेंज करना है तो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज नहीं करेंगे आप। ओके गाइस, किसका यूज करेंगे बेटा, लुईस एसिड AlCl3 और FeCl3, इनका मैकेनिज्म हो चुका है, इलेवन में करवा चुका हूँ बच्चे। तो ये ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई कंप्लीट। चलिए शाबाश। अब बेटा एक नोट कर लीजिएगा बेटा, नोट मीन्स एक्सेस रिएक्शन है, साथ ही में याद रखेंगे कंफ्यूजन से बचने के लिए। ऑर्गेनिक में अगर सिमिलर रिएक्शन है लेकिन हल्का सा माइक्रो डिफरेंस है तो उसको जरूर काउंट करना बेटा, क्योंकि हम लोग मेन एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं। देखिए बेटा, जिसे मेथेन पर आप Cl2 डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो आपने क्या बनाया बेटा, मोनोक्लोरोमेथेन। और यही हरकत अगर आप बेंजीन पे कर रहे हैं बच्चा, बेंजीन पे आप क्लोरीन यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो होश में रहिएगा, बोर्ड एग्जाम में यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। तो याद रखना बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत ही पावरफुल कैटालाइटिक एजेंट है बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बेटा ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, देखिए, जबकि हेलो एल्केन पर अगर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट यूज किया हो तो सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड यहां ब्रेक होगा बेटा, होमोलाइटिक। अब यहां सिग्मा पाई दोनों है तो आप किसको ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो इजीली ब्रेक होगा। तो बेटा याद रखिएगा, 3 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्री, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 बॉन्ड कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 3 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बेटा एल्केन पर हेलोजन मोनो हेलो एल्केन, लेकिन अगर आपने बेंजीन पे हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट रखे हो तो बच्चा आपको जो मिलने वाला है वो एलिफेटिक कंपाउंड बेटा, एरोमेटिक से एलिफेटिक मिलेगा। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, या अनिच कार्बन हाइड्रोजन एटम है, बेंजीन है बेटा, बेंजीन को ऐसे भी एक्सपोज कर सकते हैं आप, देखिए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन खाली हुई है। तो आप जबरदस्ती रिएक्शन साथ में लिखिए कि अगर आपको बेंजीन को मोनो हेलो बेंजीन में चेंज करना है तो हेलोजन के साथ लुईस एसिड रखिएगा, लेकिन अगर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर लिया हो, जैसे आपने एल्केन में यूज किए थे, एल्केन में तो बेटा आपको मोनो हेलो एल्केन मिल रहे थे, लेकिन यहां बेटा क्या मिल रहा है, दिस बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेटा,
ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का डेरिवेटिव है, देयरफॉर कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बड़ा इन दिस मॉलिक्यूल C6H6Cl6, ओके, दिस आर मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड 666, दिस मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड BHC पाउडर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस आल्सो कॉल्ड लिंडेन आर गेमेक्सेन, लिंडेन आर गेमेक्सेन। तो याद रखिएगा बेटा, ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है बेटा, ये ऑलरेडी ये रिएक्शन हमारे पास है, लेकिन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये भी बेटा एक हेलोजन डेरिवेटिव है, जिसमें हेक्सागोनल रिंग से फ्रॉम ईच कार्बन 6 हेलोजन 6 क्लोरीन एटम बाइंडेड है। तो याद रखना बेटा, अगर इसी रिएक्शन में आप अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्लेस में यहाँ थ्राइस Cl2 कर दीजिए बेटा, 6 Cl फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे फॉर बाइंडेड विथ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बेटा, इधर इसी रिएक्शन में आप Cl2 का यूज कर रहे हैं बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड। तो बेटा आप तो बेटा फ्री रेडिकल एडिशन है, ये क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन है। अब Cl2 का यूज कर रहे हैं इंजिन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, क्लोरोबेंजीन। देखिए रिएक्शन का नेचर चेंज हो गया जब आपने कंडीशन चेंज किए, अगर आपने लुईस एसिड का यूज किया हो तो मोनोक्लोरोबेंजीन बेटा सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि आपने अल्ट्रावायलेट लाइट रखे हो तो बेटा ये प्रोडक्ट बनाइए, और आप अगर इस बेंजीन पे क्लोरीन का यूज कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट बनाइए। ओके गाइस, तो बेटा बिल्कुल कन्फर्म होकर पढ़िए, कोई इत्मीनान से पढ़िए, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, ठीक है, छाप लिया एक बार, ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी भाई। बड़ी याद रखना, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंट में बेंजीन का हेलोजिनेशन करेंगे आप, 3 pi bond ब्रेक होंगे, ये बनेगा बेटा C6H6Cl6 या 666 बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिंडेन आर गेमेक्सेन, इज द पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इज आल्सो कॉल्ड BHC पाउडर। ओके गाइस, ठीक है बेटा, अब देखिए, तो एल्केन पर हेलोजन मोनो हेलो एल्केन, और बेंजीन पे हेलोजन मोनो हेलो बेंजीन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड नॉट अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, अब ध्यान देना बेटा नेक्स्ट, ठीक है, कंपेयर करेंगे बेटा। फिर हम लोगों बेटा जब मोनो हेलो एल्केन बनाए थे तो हमने अल्कोहल से बनाए थे, तो ध्यान दीजिए अल्कोहल ROH, तो बेटा ROH पर आपने क्या यूज किया बेटा, PCl3 PCl5 SOCl2, ये सब आपने ROH पे, ये क्या बेटा हेलोजन कैरियर, इनका काम क्या बेटा, सीओ बॉन्ड को, सीओ बॉन्ड है R में कार्बन है, सीओ बॉन्ड को ब्रेक करना और अपना हेलोजन इंटर करवा देना, यही काम था ना भाई इनका, PCl3 PCl5 SOCl2 PI3 आप यहां ले सकते हैं, और बेटा PBr3 अगर आपको ब्रोमीन ऐड करवाना है तो PBr3 इन प्लेस ऑफ OH, आयोडीन ऐड करना है तो PI3 इन प्लेस ऑफ OH, PCl5 क्लोरीन के लिए, PCl3 क्लोरीन के लिए, SOCl2 क्लोरीन के लिए, तो वही सिमिलर रिएक्शन है, यहां अप्लाई कर दो आप एरोमेटिक में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बेटा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, RCl, ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैंने हेलो एल्केन के लिए रिएक्शन यूज किया, अब किसके लिए यूज करना है बेटा, हेलो एरिन के लिए यूज करना है, तो देखिएगा हेलो एरिन के लिए बेटा। ओके, ध्यान दीजिए, तो बेटा आप रेडिकल पहले मेथेनॉल था, या रेडिकल एलिफेटिक के लिए एथेनॉल यूज किए थे, तो बेटा मिथाइल इथाइल के प्लेस पे फिनाइल का यूज कर लीजिएगा OH ग्रुप, और ले लीजिएगा बेटा आप PCl3। ओके, हीटिंग मार दीजिए बेटा थोड़ा सा, तो ये सीओ बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस क्लोरोबेंजीन, वही सेम रिएक्शन है जो आपने हेलो एल्केन्स के लिए काउंट किए थे, बस फिनाइल ग्रुप ले लिया मैं, तो फिनाइल आ गया बेटा, प्लस S3PO3 इज द बाई प्रोडक्ट, ये 3 mole ले लीजिएगा बेटा S3PO3, H कौन सा है जो ऑक्सीजन से बाइंडेड है, ऑक्सीजन से बाइंडेड हाइड्रोजन है, तो S3PO3 ऑलवेज बाई प्रोडक्ट होता है, तो S3PO3 आप यूज कर लीजिए। ओके बेटा, आप यहाँ SOCl2 ले लीजिए और फिनाल का यूज कर लीजिए, तो बेटा रिएक्शन रिवाइज हो रही है, बस आपने एलिफेटिक के प्लेस पर एरोमेटिक के लिए यूज कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को देखिए वही है। ओके गाइस, तो बेटा फिर से क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन बना रहे बेटा हम लोग स्पेशली, एंड SO2 गैस रिलीज होगा, ओके काउंट। तो बेटा वही रिएक्शन है जिस रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने हेलो एल्केस बनाया है, अब उसी रिएक्शन के थ्रू हम लोग हेलो एरिस बना रहे, ओके बेटा। काउंट द रिएक्शन, जल्दी मजा ले, आगे चल, ओके। सेम रिवीजन हो रहा है बेटा, ये वही रिएक्शन है जिन रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाए थे, बस वहां मिथाइल इथाइल प्रोपाइल रेडिकल का यूज किए थे, यहां फिनाइल रेडिकल एरोमेटिक यूज कर रहे हैं बच्चे, ओके बेटा। अब ध्यान दे बेटा, चलो पीसीएल फाइव का यूज करते हैं बेटा, पीसीएल फाइव, ओके। दिस फिनॉल पे पीसीएल फाइव का यूज कर रहे हैं, तो बोले वही टेक्निक, क्लोरोबेंजीन पीओ सीएल थ्री प्लस एससीएल, सेम रिएक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी है हेलो एल्केन के लिए। तो बोले देखो ये रिएक्शन देखिए, यहां भी बेटा क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये रिएक्शन बेटा थोड़ा स्पेशल है, इस रिएक्शन में थोड़ा अनबिलीवेबल प्रोडक्ट बनता है बेटा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्लोरोबेंजीन बनेगा, OH ग्रुप रिप्लेस होगा और हेलो ग्रुप आ गया बेटा, किसका क्लोरीन आ गया, पीसीएल फाइव का। लेकिन बेटा जब फिनाइल पे आप पीसीएल फाइव का यूज करेंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो ट्राई फिनाइल फॉस्फेट होता है। तो बेटा नोट करके, यहां एक्सेप्शन है, ये थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा डिफरेंस है किसके बीच में, हेलो एल्केन। अगर बेटा आपने यहां मेथेनॉल एथेनॉल का यूज किया हो, मेथेनॉल या एथेनॉल का, और पीसीएल फाइव का यूज किया हो, तो मेजर प्रोडक्ट बेटा क्लोरो एल्केन बनेगा। लेकिन अगर आपने फिनाइल का यूज किया हो और पीसीएल फाइव एज द रिएजेंट यूज कर रहे हो, एज द हेलोजन कैरियर, तो बेटा जो अब आपका प्रोडक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अब आपका प्रोडक्ट होगा वो देखिए बेटा, याद रखिए जो पीओ सीएल थ्री है, एक एसिडिक मॉलिक्यूल है बेटा पीओ सीएल थ्री, POCl3 जो बाई प्रोडक्ट है बेटा, ये POCl3 अदर फिनाल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। फिनाल के पास बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है, अदर फिनाल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो याद रखिएगा जब फिनाल पे आप PCl5 का यूज करेंगे बच्चे, तो मेजर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा जरूर, लेकिन मेजर प्रोडक्ट में आपका ये होगा बेटा। तो बेटा ये H प्लस Cl माइनस दिस, थ्राइस ले लीजिए, थ्राइस एच प्लस। तो बेटा आप जो प्रोडक्ट बन रहा है देख लीजिए, ओके पी ओ एंड दिस थ्री ओ, थ्री ओ तो कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, फॉस्फेट आयन पी ओ फोर थ्री माइनस, और फिनाइल ग्रुप कितने बेटा थ्री सी सिक्स एच फाइव होल थ्राइस, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, याद रखिए बेटा ट्राई फिनाइल फॉस्फेट ये साल्ट बनेगा। तो याद रखिए अगर आप या मेथेनॉल एथेनॉल का यूज कर रहे हो तो क्लोरोमेथेन या क्लोरोएथेन मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप फिनाइल का यूज कर रहे हो पीसीएल फाइव हेलोजन कैरियर के साथ, तो क्लोरोबेंजीन तो बनेगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन से ज्यादा क्या बनेगा बेटा, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, क्योंकि मैक्सिमम फिनाइल मॉलिक्यूल क्या बनाने में इंटरेस्ट लेंगे, पीओसीएल थ्री के साथ बने हुए बाई प्रोडक्ट के साथ बचे हुए फिनाल मॉलिक्यूल ट्राई फिनाइल फॉस्फेट बना लेंगे बेटा। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, दिस वन फिनॉक्साइड थ्री फिनॉक्साइड आया ना बेटा, ठीक है सेकेंड फिनॉक्साइड, तो एक्सेप्शन है बेटा, थोड़ा सा याद रखिए, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट हो जाता है, तो मैक्सिमम फिनाल मॉलिक्यूल ट्राई फिनाइल फॉस्फेट बनाने में इंटरेस्ट ले लेते हैं बेटा, ठीक है। एंड थर्ड फिनॉक्साइड, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लीजिए आप, और ये कौन बेटा फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फाइव, ये पी डबल बॉन्ड हो एक, दिस ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। यह है बेटा ट्राई फिनाइल फॉस्फेट का स्ट्रक्चर फार्मूला। तो याद रखिए बेटा अगर आपने फिनाल पे पीसीएल फाइव का यूज किए हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। खैर ये कॉम्पिटिशन लेवल का मसाला है, ट्वेल्थ में बेटा आप यही बना
काफ़ी है, लेकिन एक्चुअली इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा ट्राई फिनाइल फॉस्फेट मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि POCl3 जो बाई प्रोडक्ट है उससे बचे हुए फिनाल मॉलिक्यूल रिएक्शन करके ट्राई फिनाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस है। जबकि बड़ा मेथेनॉल इथेनॉल या एलिफेटिक अल्कोहल का यहाँ यूज करोगे आप तो आपका मेजर प्रोडक्ट हेलोएल्केन मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन कम मिलेगा और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ज़्यादा मिलेगा। काउंट दिस रिएक्शन, ओके गाइस, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगली रिएक्शंस पे, नोट कर लीजिए। बेटा अब हम लोग केवल वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें केवल हेलोएरिन्स बनते हैं बेटा, हेलोएल्केन्स के लिए यूज नहीं होती। अभी इसके पहले जो रिएक्शन पढ़ा है मैं वो मेथड बेटा आप हेलोएल्केन हेलोएरिन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। केवल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल रेडिकल के प्लेस पे आप फिनाइल रेडिकल का यूज़ कर लीजिएगा। अब बेटा हेलोएरिन की मेथड आप प्रिपरेशन में जो स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड बेटा, स्पेशल मेथड आप हेलोएरिन, ध्यान दे बच्चे, स्पेशल मेथड। अपने स्पेशल मेथड में एक स्पेशल मॉलिक्यूल है बेटा, एक स्पेशल रिएजेंट है। मैं एक ऐसा स्पेशल रिएजेंट आपके सामने आज ला रहा हूँ जिसको आप तो पानी में घोल के पी जाना, क्योंकि बेटा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है आपको, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है आपको, चाहे हेलोएरिन बनाना हो, चाहे एरोमेटिक अल्कोहल बनाना हो, चाहे फिनाल कंपाउंड बनाना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो, एरोमेटिक कीटोन बनाना हो, एरोमेटिक एसिड बनाना हो, अगर बेटा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है बेटा, तो बेटा वो एक हमारे पास एक बेहतरीन रिएजेंट है, बहुत ही पावरफुल रिएजेंट, जिसको आज की डेट से आपकी लाइफ में आप जगह दे दो अपने दिल के अंदर। तो बेटा एक ऐसा बेहतरीन रिएजेंट जिससे लगभग सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स, वेरियस फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड्स आप बना सकते हो, वेरियस फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, और वो एक साल्ट है बेटा, एक बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट, लेकिन इससे आप एलिफेटिक फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे। जो साल्ट या जिस रिएजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वल्ली एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप के, कोई भी एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड आप बना सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप, वो जानदार साल्ट है बेटा बेंजीन। डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन, डाइएजो मीन्स नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन, दिस बेंजीन रिंग, दिस डाइएजोनियम, क्योंकि बेटा पूरा पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट जो होता है बेटा उसका जो सफिक्स होता है वो ईएम होता है, तो बेंजीन डाइएजो मीन्स टू नाइट्रोजन केटाइन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साल्ट का मतलब जिसमें कंपोनेंट केटाइन एन आयन होते हैं बेटा, जैसे NaCl एक साल्ट है भाई, सोडियम क्लोराइड, तो वैसे बेटा एक ऑर्गेनिक साल्ट है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटा इतना बेहतरीन रिएजेंट है या इतना बेहतरीन साल्ट है एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए कि आप इससे आप वेरियस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वेरियस फंक्शनल ग्रुप के बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, किससे बेटा आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, ओके गाइस, ये है बेटा इस साल्ट को। बेटा ये और टाइप का हो सकता है, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है बेटा, नाइट्रेट साल्ट भी हो सकता है, ये और भी हो सकता है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट साल्ट भी हो सकता है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट साल्ट भी हो सकता है बच्चे, ये वेरियस टाइप के हो सकते हैं बेटा, लेकिन जिस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का हमको यूज करना है, पॉपुलरली इसका यूज करना है, जो बड़ा फेमस है बेटा, ये फर्स्ट वाला है, ये भी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, ये भी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट है, ये बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट है, और ये ऐसे साल्ट है बेटा कि आप वेरियस टाइप के एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हो थ्रू दिस साल्ट्स। तो ये आपकी लाइफ में 12th में फर्स्ट टाइम आया है और इसको अब आप ग्रिप करके रख लो बच्चे, दे आर द वेरियस टाइप ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम टू नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन को बेटा एजो काउंट करते हैं हम लोग,
नाइट्रोजन को हम लोग एजो काउंट करते हैं, एंड दिस नाइट्रेट, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम टू राइट, दे आर द वेरियस टाइप ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट काउंट। ओके बेटा, तो स्पेशल मेथड है बेटा, स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। तो किससे बना रहे बेटा हम लोग, स्पेशल टाइप के साल्ट से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट। मैं इसका बड़ा बखान कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये वो साल्ट है, ये वो रिएजेंट है, जिसे आप वेरियस टाइप के, मैं तो अभी केवल हेरोइन बनाऊंगा, इससे मैं अभी हेलोइन बना सकता हूँ, जब फिनाल पढ़ाऊंगा तो उसमें एरोमेटिक फिनाल कंपाउंड बनाऊंगा, एल्डिहाइड बनाऊंगा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बना दूंगा, जब कीटोन्स पढ़ाऊंगा तो एरोमेटिक कीटोन भी साल्ट से बन जाएंगे। ओके गाइस, तो बेटा देखिए, एक अपने पास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX, जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखवाया हूँ बेटा। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री मैं एक हेलोएरिन खत्म कर दे रहा हूँ बेटा, हेलोएरिन को एंड कर रहा हूँ, फिर इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं बेटा इस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इससे आप हेलोएरिन कैसे बना सकते हैं। बाय द वे, आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो जाना चाहिए कि आप इससे हेलोएरिन ही नहीं, वेरियस फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो, नोट कर ले दिमाग में। ओके गाइस, ठीक है बेटा, अब पहले बताऊंगा बेटा ये स्पेशल मेथड है हेलोएरिन्स के लिए, ये हेलो एल्केन्स के लिए यूज नहीं होती बेटा। इसके पहले जो मैंने लेक्चर्स दिए थे, इसके पहले जो 2-3 रिएक्शंस दिया था बेटा, हेलोजन कैरियर का आपने यूज किए थे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन किए थे, वो दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस है, चाहे हेलो एल्केन बनाओ चाहे हेलो एरिन बनाओ। ओके गाइस, वो हंसले थोड़ा सा हंसले। अब ध्यान दे बेटा इधर, तो बोले सबसे फेमस है ये बेटा, इसी का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, वैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी है इत्मीनान से। ओके, तो बोले स्पेशल मेथड ऑफ हेलोएरिन, तो मैंने अभी किसका इंट्रोडक्शन दिया बेटा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, जिसमें फेमस कौन है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तुमने स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, तुमने उसका जो मेन साल्ट है बेटा वो है बेहतरीन रिएजेंट एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए। कोई भी एरोमेटिक, किसी भी फंक्शनल ग्रुप वाला एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, इस बात को मैं 50 बार बोल चुका हूं, क्लिक कर लो। तो ये बेटा दिस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेटा ये खुद किस रिएक्शन, ये साल्ट खुद किस रिएक्शन से बनता है बेटा, ये साल्ट खुद एरोमेटिक एमाइन से बनता है। ये साल्ट जो एक फेमस साल्ट है एरोमेटिक केमिस्ट्री का, एक फेमस रिएजेंट है एरोमेटिक केमिस्ट्री का, ये खुद किससे बनता है उस रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ काउंट कर लेंगे। ये बनता है बेटा एरोमेटिक एमीन से, एमीन ग्रुप मालूम है ना, NH2। तो बेटा एरोमेटिक एमीन, ध्यान दीजिएगा, दिस एरोमेटिक एमीन NH2। अब देखिए बेटा NH2 ग्रुप में, एमीनो ग्रुप में 1 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये है बेटा एजो ग्रुप, एजो मीन्स डाइएजो ग्रुप, डाइएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन, एंड ए एमाइन ग्रुप है बेटा, और ये डाइएजो ग्रुप है। तो जब एमाइन ग्रुप को आप डाइएजो ग्रुप में चेंज करेंगे, दिस अ डाइएजो, ये है बेटा एरोमेटिक एमाइन, फिनाइल एमाइन, बेंजीन डाइएजो में डाइएजो ग्रुप लेके आएंगे बेटा, N2+ इज द डाइएजो। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी दे रहा हूँ मैं, यहाँ देख लो अच्छे से, बाइंडिंग भी आपकी क्लियर होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन, बेटा 3 बॉन्ड बना रहा, देखिएगा। ओके, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दिस अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेटा जब एमाइन ग्रुप को काइमे चेंज करना डाइएजो ग्रुप में, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन। आप बोल रहे होंगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, मैं इस साल्ट से क्या बनाऊंगा बेटा, हेलोएरिन, ये साल्ट। लेकिन मैं एक एक्सेस रिएक्शन बताना चाह रहा हूं कि ये साल्ट खुद किस
प्रोसेस से बनता है। तो बेटा जो एरोमेटिक एमाइन है, दिस एरोमेटिक एमाइन आर एन एस टू, कौन सा आर है बेटा, ये फिनाइल आर, तो फिनाइल एमाइन, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा आप एनिलीन, इसका एक कॉमन नेम है बेटा, इसका एक कॉमन नेम है एनिलीन। एरोमेटिक एमाइन, फिनाइल एमाइन या एमिनो बेंजीन, दिस आल्सो कॉल्ड एनिलीन, याद कर ले। तो मैं पहले इस साल्ट के बारे में बता दूं, ये साल्ट खुद किस रिएक्शन से इसका हम लोग सिंथेसिस करते हैं, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, डाइएजोटाइजेशन। थ्रू डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन वी सिंथेसाइज्ड डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट या बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट। लेकिन मुझे किस साल्ट का यूज करना है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करना है। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, समझना समझना बेटा, ओके हसले, हाँ अच्छे देखना बेटा, क्योंकि ये साल्ट मेनी टाइम यूज करना है मुझको एरोमेटिक केमिस्ट्री में। तुमने जब एनिलीन या एरोमेटिक एमीन पर आप NaNO2, ये रिएक्टेंट है बेटा, रिएजेंट प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, याद रखिएगा जब एरोमेटिक एमाइन पर आप NaNO2 प्लस HCl इस रिएक्टेंट पर, एरोमेटिक एमाइन द रिएक्टेंट और ये है बेटा रिएजेंट का यूज करेंगे, तब आपको ये साल्ट मिलने वाला है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी इसकी रिएक्शन देखो बेटा, ये द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, 12 बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट इस रिएक्शन के थ्रू हम बनाते हैं, और ये साल्ट फिर वेरियस फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज होता है। पूरी स्टोरी समझ में आई, लेकिन मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं बेटा, ये एमाइन चैप्टर की रिएक्शन है, लेकिन मैं यहां दे रहा हूं क्योंकि जो रिएक्शन ऑलरेडी इन फ्यूचर आने वाली है उसको एक बार रिवाइज इधर कर लेते हैं। तो एमाइन चैप्टर में जब एरोमेटिक एमाइन पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये साल्ट खुद किस रिएक्शन से इसका सिंथेसिस करते हैं आप। तो द नेम ऑफ रिएक्शन इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अपने इस रिएक्शन का थोड़ा डिटेल बता दूं मैं, ध्यान देना रिएक्शन एक्चुअल होती क्या है, ये तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तो ध्यान दीजिएगा, दिस एनिलीन बेटा NaH2, और रिएक्शन किसके साथ है बेटा, NaNO2 प्लस HCl। तो HCl के बेटे यहाँ 2 मोल्स यूज होते हैं, NaNO2 प्लस HCl। अब देखिए बेटा, सोडियम मेटल और ट्वाइस HCl में क्लोरीन नॉन मेटल, तो भाई मेटल नॉन मेटल का जन्म का साथ है, तो बेटा बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हुआ बेटा यहाँ, NaCl। चलो देखिएगा आप, बाई प्रोडक्ट बेटा NaCl हो गया, NaCl। अब आपके पास बेटा ध्यान दीजिए, 1 क्लोरीन अभी एक यहाँ लीव है, लेफ्ट है बेटा, 1 क्लोरीन बचा हुआ है। ध्यान दे, इस रिएक्शन का एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है। तो ये बेटा NaCl आपने निकाल दी, NaCl, या इसको HCl को मैं अलग अलग लिख दूँ, चलिए 2 मोल HCl, तो NaCl। अब देखिए बेटा, आपके पास ये 2 हाइड्रोजन्स है और ये 2 हाइड्रोजन्स, दिस टू हाइड्रोजन आप एमाइन ग्रुप के 2 हाइड्रोजन और HCl, 2 मोल HCl के 2 हाइड्रोजन, और ये क्या है बेटा 2 ऑक्सीजन, तो वाटर निकाल दीजिए बेटा, ट्वाइस H2O। ओके गाइस, अब आपके पास क्या है देख लीजिए आप, क्या क्या बचा है बेटा, अब आपके पास बचा है 1 नाइट्रोजन एंड 1 क्लोराइड आयन। ओके, तो देखिए बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अब ये 1 नाइट्रोजन, ये 2nd नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आइडियली फॉर्म 3 बॉन्ड फॉर कंप्लीट ऑक्टेंट, दिस अ नाइट्रोजन फर्स्ट, दिस नाइट्रोजन सेकेंड एंड 1 क्लोराइड आयन, दिस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एंड दिस आर एक्सेस बाई प्रोडक्ट। तो बेटा काउंट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है भैया, छाप लेना मेरे भाई और बहनों। ये साल्ट का बेटा, इस साल्ट का मैं यूज करूंगा क्या बनाने के लिए बेटा, हेलोएरिन्स के फॉर्मेशन के लिए। और एक बात याद रखना, एक बार और बोल रहा हूं, होश में रह ले,
इस साल्ट के थ्रू आप वेरियस फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हो। जान है ये एरोमेटिक केमिस्ट्री, ये साल्ट ये खुद किस रिएक्शन से बनता है, डाइएजोटाइजेशन। एरोमेटिक एमाइन पर जब NaN में तो सोडियम नाइट्राइट और HCl का कॉम्बिनेशन यूज करोगे बेटा, तो इस प्रोसेस से ओके गाइस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N+Cl-। क्लियर बेटा, चलते हैं। तो बेटा ये साल्ट बड़ा मैजिक साल्ट है बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री का। चलिए मिटा दूं मैं इसको, काउंट दिस रिएक्शन, नोट कर ले बेटा इसको, ये रिएक्शन एमाइन चैप्टर में फिर पढ़ाऊंगा। ओके गाइस अभी से याद होना था, नेम ऑफ रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन, मोस्टली टाइम आया बेटा बोर्ड NCERT बोर्ड MP बोर्ड में। ओके गाइस ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, इस साल से मुझे हेलोएरिन बनाना है। आप फ्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, वेरियस टाइप के हेलोएरिन बेटा इस साल्ट के थ्रू बना सकते हैं। ऑल टाइप का फ्लोरो बेंजीन हो, क्लोरो बेंजीन हो, ब्रोमो हो, आयोडो है, मल्टीपर्पज साल्ट है यार। इसकी मैं तारीफ कर रहा हूं ना, समझ जाना कितना इंपॉर्टेंट है भाई। ओके तो चलिए बेटा, हेडिंग क्या है, पर्पस क्या है, टारगेट क्या है पता है ना, देख ले फिर। तो बेटा इस साल्ट पर बेटा आप देखिए, ये साल्ट जब भी रिएक्शन देगा बेटा, एक बात दिमाग में रख लो हमेशा हमेशा के लिए, जब भी ये साल्ट किसी भी रिएजेंट के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जब ये साल्ट रिएक्शन देगा, तो बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। देखिए कहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, समझ लीजिएगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ओके बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। मीन्स कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, N2 गैस रिलीज होगी ही। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इस साल्ट की हर रिएक्शन में N2 गैस रिलीज होगी, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आपको मालूम बेटा, देखो यहां देख लीजिए, आप यहां देख लीजिएगा प्लीज, मजा ले ले भैया, ये कार्बन बेटा, दिस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन यहां से अगर रिलीज होगा तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है भैया, तो नाइट्रोजन बेटा किसका इलेक्ट्रॉन ले भागेगा, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले भागेगा बच्चवा, ठीक है। और अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। यहाँ से देखिए 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 बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, ये प्लस था तो मेकअप हो गया इसका प्लस भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ज़्यादा, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बेटा, क्लोरीन को, और एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, कार्बन से। इसलिए नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होगा, न्यूट्रल N2 फॉर्म में। ओके गाइस, और इसकी हर रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम साल्ट कोई भी रिएक्शन दे, N2 गैस रिलीज होगी, गैस तो ये एरो साइन दे दीजिएगा। ओके बेटा ठीक, ये तो मैं बता दिया। चलिए बेटा आप यहाँ, सॉरी ये रिंग है, मैं भूल जाऊँ, आप नहीं भूलने का भाई। अब देखिए इस साल्ट की रिएक्शन, आप CuCl Q+ क्लोराइड, वो रट डालना, कुछ चीजें आर्गेनिक में याद भी करना पड़ता है भाई, जो आगे के लिए फार्मूले बनते हैं। CuCl प्लस HCl से कराएंगे बेटा द रिएक्शन ऑफ दिस साल्ट, डन बाय किससे कराना है बेटा, CuCl प्लस HCl, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CuCl / HCl। बेटा यह CuCl बेटा कैटलिस्ट है, CuCl डायरेक्ट रिएक्शन में इंटरनली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कैटलिस्ट आपको मालूम है इंटरनली पार्टिसिपेट करेगा भी तो रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो CuCl यहाँ कैटलिस्ट है बेटा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एक्चुअल रिएजेंट है बेटा यहाँ HCl। तो बेटा जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, CuCl / HCl, इसमें एक्चुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, HCl करेगा। तो देखिए क्या होने वाला है, तो कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, N2 गैस रिलीज होगा, यहां से यहां कर दिया -N2। ओके अब क्या होगा बेटा, ये जो Cl- एक्चुअल समझ लो, ये Cl-
इस H प्लस के साथ, ये Cl माइनस इस H प्लस के साथ क्या बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा बेटा? HCl। देखिए अब ये पूरा, देखो बेटा ये पूरा पोर्शन अब रिलीज हो चुका है। आप देखिए यहां कार्बन प्लस है भाई, और ये Cl माइनस इस पर अटैक मार देगा, तो क्या बना देखिए बेटा? यस 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 यस, दिस अ क्लोरोबेंजीन। क्या बना बेटा? क्लोरोबेंजीन। देखिए आपने क्लोरोबेंजीन बना दिए। किस रिएजेंट का बेंजीन डायजोनियम साल्ट पर, ऐसे लिख दे रहा हूं फिर से बेटा, बेंजीन डायजोनियम साल्ट पर अगर आप किस रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, CuCl ऑब्लिक HCl, तो क्या बना बेटा? है क्लोरोबेंजीन। प्रोसीजर कैसी हुई? यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Cl माइनस फॉर्म, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो N2 गैस रिलीज हुई, ये Cl माइनस और ये H प्लस HCl, ये तो केवल कैटलिस्ट है बेटा, रिएक्शन प्रमोटर है। कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्शन इजी वे में होती है, कैटलिस्ट को यूज ही किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ओके गाइस, तो देखिए बेटा क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखिए बेटा इसी रिएक्शन में आप CuBr ऑब्लिक HBr का यूज कर रहे हैं। ये कैटलिस्ट है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हूं बच्चे, इत्मीनान से देख ले, ये H प्लस ये Br माइनस, तो फिर वही प्रोसीजर बेटा। देखिए ये N2 पोर्शन माइनस N2, ये Cl माइनस ये H प्लस, तो माइनस ये HCl, इट इज अ बाई प्रोडक्ट। अब ये पूरा पोर्शन रिलीज हो गया बेटा, यहाँ जो वैलेंसी वैकेंट हुई है इस कार्बन पे, वहाँ कौन अटैक कर देगा बेटा? ब्रोमीन यहाँ अटैक मार देगा। तो देखिए Br माइनस के फॉर्म में अटैक मार रहा है। देखिए बेंजीन बेटा, जो बेंजीन रिंग है वो उस पर अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसके पहले के लेक्चर में बताया था बेंजीन रिंग पे अटैक कौन करता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन इन रिएक्शन में बेंजीन रिंग पर अटैक कौन कर रहा है? देखिए यहां Cl माइनस अटैक किया, Cl माइनस अटैक किया, यहां Br माइनस अटैक। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग, स्पेशल बेहतरीन। न्यूक्लियोफिलिक्स बहुत कम देता है बेटा बेंजीन डायजोनियम साल्ट में, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके N2 को रिलीज करवाता है। देखिए समझ लीजिए अच्छे से, तो ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बेटा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डायजोनियम साल्ट, रिंग पर रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल एनायन अटैक कर रहा है। और याद रखना बेटा, जब भी बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दे तो आपके कान खड़े होना चाहिए, क्योंकि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो यहां क्या बना बच्चे, देखो देखो देखो, ब्रोमोबेंजीन। बेटा यदि आप अच्छे समझना, एक एक चीज काम की है भाई 100%। बेटा अगर आप बेंजीन डायजोनियम साल्ट से CuCl ऑब्लिक HCl रिएजेंट का यूज करके क्लोरोबेंजीन बना रहे हो, CuBr ऑब्लिक HBr रिएजेंट का यूज करके ब्रोमोबेंजीन बना रहे हो, ये दोनों रिएक्शन बेटा सेंडमायर रिएक्शन नाम से फेमस है, नेम रिएक्शन है बेटा सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर एक कंप्लीट है, स्पेस कम है, अलग अलग सेंडमायर रिएक्शन। दिस सेंडमायर रिएक्शन, यदि आप बेंजीन डायजोनियम साल्ट से क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बना रहे हो, हेलोएरिन में क्लोरो और ब्रोमो, तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज सेंडमायर। इस कॉम्बिनेशन का यूज किया था सेंडमायर अंकल ने। लेकिन सेंडमायर अंकल ने एक चीज और बनाया बेटा, मैं यहां काउंट करवा देता हूं। अपनी एरोमेटिक केमिस्ट्री में सेंडमायर रिएक्शन के नाम से 3 प्रोडक्ट आप बनाएंगे, एक बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, एक बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन, और बेटा अगर आपने यहां CuCn, ध्यान दो, CuCn ऑब्लिक HCl इस रिएजेंट का यूज किया इस साल्ट पर, CuCl ऑब्लिक HCl क्लोरीन लाने के लिए, CuBr ऑब्लिक HBr ब्रोमीन लाने के लिए ऑन द बेंजीन रिंग,
हुआ और CUCN ऑब्लिक SCN रिंग पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को अपीयर करवाने के लिए, अटैच करवाने के लिए। देख बेटा, देखिए फिर वही मैकेनिज्म, H प्लस और ये Cl माइनस माइनस HCl, ये यहां से N2, इसकी हर रिएक्शन में N2 गैस फॉर्म में रिलीज होगा। आप ये Cl माइनस, ये वैलेंसी वैकेंट हुए आटे का साइनोबेंजीन। तो याद रखिए बेटा, सेंडमायर रिएक्शन से आप हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, लेकिन एक और एक्सेस कंपाउंड, एक्सेस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड भी आप सेंडमायर रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो, साइनोबेंजीन। लेकिन मेरा टारगेट है साइनोबेंजीन बनाना नहीं था, वो तो मुझे याद आ गया इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। सेंडमायर रिएक्शन जब भी आपको पूछे तो आप क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन भी लिख सकते हो फ्रॉम द डायजोनियम साइट, ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन लिख सकते हो फ्रॉम डायजोनियम साइट, और साइनोबेंजीन की प्रिपरेशन लिख सकते हो फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। और ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? डायजोटाइजेशन। इसे आप इस साल्ट को बनाएंगे फ्रॉम एनिलीन या एरोमेटिक एमीन। तो ये रिएक्शन को मैंने काउंट करवा चुका हूं। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है बेटा। देखो आपको क्लोरोबेंजीन बना के दे रहा है बेचारा प्यारा सा साल्ट, ब्रोमोबेंजीन बना के दे रहा है। द नेम ऑफ दिस साल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नाम लिख दो बेटा, बेंजीन डाई एजो, एजो मीन्स नाइट्रोजन, हाउ मेनी टू, टू मीन्स डाई एजोनियम क्लोराइड, द नेम ऑफ दिस साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और याद रखना बेटा, हमारी एरोमेटिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेंडमायर रिएक्शन के नाम से ये 3 रिएक्शन है बच्चा, जिसे आप इस साल्ट के थ्रू क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे। ओके गाइस, कन्फर्म पक्का मजा ले। छाप ले भजिया, इत्मीनान से समझ ले। ये जो ब्रैकेट में लिखा हूं इसको साइलेंट रख, कैटलिस्ट है। ओके बेटा, सेंडमायर रिएक्शन से क्लोरो बनाना, ब्रोमो बनाना, और एक्सेस रिएक्शन पढ़ा दे रहा हूं। साइनोबेंजीन बनाओगे आप जब मैं साइनाइड फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, तो ये रिएक्शन फिर लाऊंगा वहां, लेकिन सिमिलरिटी है तो इसलिए एक साथ देख लो। लेकिन बेटा अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो बेटा इस साल्ट पे पोटेशियम आयोडाइड का यूज करो। दफा ये पहली रिएक्शन हुई, ये सेकेंड रिएक्शन हुई, ये थर्ड रिएक्शन हुई, और ये दे रहा हूं बेटा फोर्थ रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ डेल्टा डाल दिया करो भाई हर रिएक्शन में, अंडरस्टूड है, हीटिंग चाहिए बच्चे। और याद रखना बेटा, ये इन रिएक्शन के थ्रू लेबोरेटरी में अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो आप सेंडमायर रिएक्शन का यूज करेंगे बेटा। तो ये लेबोरेटरी मेथड भी है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना फ्रॉम द बेंजीन डायजोनियम साइट। लेकिन आप साइनोबेंजीन भी बना सकते हो या फिनाइल साइनाइड भी बना सकते हो। अगर बेटा देखो आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो फिर वही प्रोसीजर, ये N2, क्योंकि इसकी हर रिएक्शन में N2 गैस रिलीज हुई। चलिए भाई N2, अब देखिए बेटा, ये के प्लस और ये Cl माइनस, तो दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या? KCl। ओके गाइस, और क्या बेटा आप देख लिए, ये आयोडाइड I माइनस अटैक कर देगा बच्चे, दिस आयोडोबेंजीन। तो कितना मैजिक साल्ट है बेटा, कितना प्यारा सा साल्ट है। क्लोरो बना रहा है, ब्रोमो बना रहा है, साइनोबेंजीन बना रहा है, आयोडोबेंजीन बना रहा है, और ये तो यही ने तो हद कर दिया, आप इसे फ्लोरोबेंजीन बना लो। तो इतना अच्छा साल्ट एरोमेटिक में मिलेगा कैसे बेटा? फ्लोरोबेंजीन के लिए ध्यान दीजिएगा, इस साल्ट पर HBF4 रिएजेंट का यूज करेंगे, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड। क्या नाम है बेटा? है टेट्रा फ्लोरो बोरान का एसिड, है हाइड्रोजन है तो एसिड है, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड। इस साल्ट का, इस साल्ट के साथ बेटा, सॉरी इस रिएजेंट के साथ अगर इस साल्ट का आप रिएक्शन कराते हो बच्चे, तो बेटा आपको क्या बनेंगे, क्या मिलने वाला है बेटा? फ्लोरोबेंजीन मिलने वाला है, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन मिलने वाला है बेटा। ठीक है, तो रिएक्शन देख लीजिएगा। ओके, नीचे टर्न कर दे रहा हूँ, देखिए बेटा वही सेम क्लियर बेटा। जो रिएक्शन होती है एच प्लस और ये Cl माइनस,
तो यहां भी बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हुआ बेटा, HCl। अब देख लीजिए H प्लस Cl माइनस, बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हुआ बेटा, HCl। ओके, और कौन सी गैस बेटा, N2, जो हमेशा ही रिलीज होने वाला है भाई, हमेशा ही रिलीज होने वाला है बेटा। आप देख लीजिए ये तो बाई प्रोडक्ट हुई है। अब जो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बेटा, ध्यान दो, HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। अब बेटा आपके पास BF4 है, BF3 बेटा आपने इलॉन में बोरान ग्रुप में पढ़ाया हूं, लुइस एसिड है ये, तो BF3 बेटा एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो यहां बेटा नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, BF3 यहां काउंट कर दे रहा हूं, चलिए आप BF3, चलो ये बाई प्रोडक्ट बेटा BF3 प्लस N2 प्लस HCl। ओके गाइस, अब वन फ्लोरिन लेफ्ट है बेटा, फ्लोरोबेंजीन। ओके, फ्लोरोबेंजीन यहाँ क्या क्या रिलीज हुआ है बेटा, N2 प्लस माइनस N2 माइनस HCl माइनस BF3, दे आर द बाई प्रोडक्ट। तो बेटा देखिए इस साल्ट को आप इत्मीनान से सेंडमायर रिएक्शन से क्लोरोब्रोमो एक एक्सेस मॉलिक्यूल साइनोबेंजीन बना सकते हो। आयोडोबेंजीन बनाना है बेटा तो इस साल्ट पे पोटेशियम आयो, और हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का नहीं भाई, पाप होगा। पोटेशियम आयोडाइड यूज कर लो, आयोडोबेंजीन बना लो बेटा, और HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड इसका यूज कर लो बेटा, तो आप क्या बना सकते हैं बेटा, फ्लोरोबेंजीन। तो बेटा अगर आप फ्लोरोबेंजीन बनाते हो बेटा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम बेटा, अगर आप क्या बना रहे हैं फ्लोरोबेंजीन, तो ये द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज बेल्ज सियामन रिएक्शन। अगर आप फ्लोरोबेंजीन बनाते हो फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बाय द हेल्प ऑफ टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, इस रिएक्शन पे काम किसने किया था बेटा, बेल्ज सियामन रिएक्शन। N2 गैस हमेशा रिलीज होगी, तो इस साल्ट में एक कॉमन चीज क्या देखे बेटा, N2 गैस हमेशा रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ कार्बन, तो यहाँ एरिल कार्बोकेटायन बनेगा बेटा, फिनाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, ये N2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो रहा है, और रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये पूरी की पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, याद रखेगा। जबकि रिंग की रिएक्शन, रिंग पर जनरली अटैक करने कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये सब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया, बोर तो नहीं हुए, छाप ले एक बार, तो देख ले भाई इस मॉलिक्यूल का कमाल, इस साल्ट का कमाल। हाउ मेनी रिएक्शन काउंट, 1, 2, 3, 4 एंड दिस फिफ्थ रिएक्शन। ओके गाइस, ठीक है बेटा, सभी रिएक्शन में कॉमन बात क्या बेटा, N2 गैस रिलीज होगी, और रिएजेंट का एनायन अटैक करेगा जिस कार्बन से N2 रिलीज होगा, और ये जो बेटा क्लोराइड है ये HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में, KCl बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रहा है। और बेटा इस साल्ट की कहानी स्टोरी यही नहीं रुकती, आप इससे फिनाल बना लो, हाइड्रोलाइसिस कर लो इसका। तो बेटा इस साल्ट का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, खैर मैं उसको अभी काउंट नहीं करूंगा, फिनाल में काउंट करूंगा, लेकिन आपको इस बात को दिमाग में रख लो, इस बात को दिमाग में रख लो कि इस साल्ट के थ्रू आप वेरियस फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। मैंने अभी क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, आयोडो, फ्लोरो, आप चाहो तो इस कंपाउंड से एरोमेटिक फिनाल बना लो, एरोमेटिक एसिड बना लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लो, एरोमेटिक कीटोन बना लो, डिफरेंट रिएजेंट का यूज करके। ओके गाइस, तो ये होगा बेटा क्या हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, और एक्सेस एक सेंडमायर रिएक्शन में साइनोबेंजीन भी आता है, अलग से भी फिलहाल याद रख लो, आगे एक बार साइनाइड फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाऊंगा तो इस रिएक्शन को फिर एक बार रिवीजन का बेटा हमको मौका मिलेगा। ओके गाइस, तो इतना बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा उसमें बेटा हम लोग हेलोएरिन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे बेटा। बेटा इस साल्ट के बारे में एक और बात कर दूं मैं, जाते जाते एक बात कर ही लेता हूं भैया, चलिए काउंट कर लिए बेटा सभी रिएक्शंस। ओके, ब
बेटा इस साल्ट पर आप CuCl ऑब्लिक HCl ये यूज कर रहे हैं या CuBr ऑब्लिक HBr यूज कर रहे हैं या CuCl ऑब्लिक HCl द नेम ऑफ रिएक्शन इज सेंडमायर, लेकिन बेटा इस साल्ट पे आप केवल CuCl के साथ इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दीजिए। देखो केवल साल्ट ले रहे हैं इसको ब्रेक कोवेलेंट है बेटा साल्ट, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग लगेगी साल्ट को ब्रेक करने में, या CuBr ले रही है मैं साथ में HCl ले रहा तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग लगेगी बेटा। केवल CuCl CuBr जो अभी तक कैटलिस्ट का काम कर रहे थे वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ में आप HCl HBr मत रखिएगा, तो बेटा वही प्रोसीजर होगी, N2 गैस रिलीज होगी। देखिए ये Cl- और ये Cu, तो CuCl ही रहेगा और ये क्लोराइड आ रही है अटैक कर देगा तो क्लोरोबेंजीन, जो गाटरमान करके हमारे चाचा जी है बेटा गाटरमान द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उनने क्या किया था देखो, सेंडमायर ने CuCl के साथ HCl रखा तो CuCl वहाँ केवल रिएक्शन प्रमोटर था, केवल आपने CuCl और CuBr रखे हैं साथ में HCl HBr का यूज नहीं किए हैं, तो फिर बेटा यही कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा अपने को, यहाँ वही सेम कंपाउंड दे रहे हैं जो सेंडमायर में आपको मिल रहा है, दिस क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। और ये हरकत किसने किया था बेटा, ये हरकत किया था गाटरमान ने, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज गाटरमान रिएक्शन, बट नॉट काउंटेबल इन ट्वेल्थ, ये ट्वेल्थ में काउंटेबल नहीं है बेटा, बता दिया मैंने, ऐसी याद आ गया मुझे, सॉरी उसके लिए। गाटरमान रिएक्शन देखिए बेटा, गाटरमान नाम से तीन रिएक्शन है हमारी केमिस्ट्री में, तीनों एरोमेटिक हमारे, एक गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, एक गाटरमान कोच रिएक्शन और एक गाटरमान रिएक्शन, एक गाटरमान कोच है, एक गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है और एक गाटरमान, तो वनली गाटरमान नाम से ये रिएक्शन है बेटा। इसमें आप CuCl CuBr का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा क्योंकि बेटे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, जनरली ब्रेक नहीं होते, जबरदस्ती काम है, जबरदस्ती तो ड्रेस्टिक कंडीशन में, तो प्रोडक्ट वही क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनते बेटा। फ्रॉम दिस साल्ट द नेम ऑफ साल्ट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके बेटा गाइस, इसको लिख डालिएगा आप, और एक बात दिमाग में रख ली जाते जाते कि इस साल्ट से तो मैंने अभी केवल क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो साइनोबेंजीन बनाया, आप किसी भी टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड इस साल्ट से बना सकते हो, क्लिक कर लो। ओके गाइस, तो मिलते हैं बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।